देश भर में भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है और भाई और बहन के लिए यह पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं गाजियाबाद की डासना जेल में भी भैया दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करने के लिए पहुंची और इसके लिए जेल प्रशासन ने अलग से इंतजाम किए थे। वहीं स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई और जेल प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए पहले से इंतजाम कर लिए गए थे। आपको बताने की जो भी बहनें RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के आएंगी उनको जेल में बंद उसके भाई से मुलाकात करवाई जा रही है और अब तक 400 से अधिक महिलाएं अपने भाइयों से मुलाकात कर चुकी हैं और किसी भी तरह की सामग्री जेल में ले जाना वर्जित है। जिसमें सुने जरा जेल से मुलाकात करके आती हुई बहनों को। आज आप लोग मुलाकात पर आए, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस कैसा हो रहा है कि मतलब जैसे अच्छा हो रहा है महसूस, लेकिन मिलाई तो वैसा ही है जैसे मतलब ऐसा होती थी। जैसे ज्यादा टाइम में आप लोग आए हो मिलाई करने त्योहार के टाइम पर, कोई दिक्कत आगे सिक्योरिटी वगैरह कोई दिक्कत नहीं? कहाँ से आए हो आप? मुलाकात होगी आप? आज आप लोग मुलाकात करने आए हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा हो रहा है, भाई से बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत खुशी हो रही है और काफी अच्छी मुलाकात रही। अंदर सिस्टम सब बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या सामान लेके गए थे बाहर से आप? नारियल और रोली बस। अच्छा, कहाँ से आए और आप? सर मैं हापुड़ से आई हूँ। फिलहाल आप आलोक कुमार जेल अधीक्षक गाजियाबाद को सुने। सर आज भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि कोरोना काल में महिलाएं जेल में मुलाकात नहीं कर पा रही थी, तो आज किस तरह मुलाकात कराई जा रही है और भैया दूज के पर्व को भाइयों के साथ कैसे मनाया जा रहा है? जैसे जिस प्रकार से रक्षाबंधन का हमने त्यौहार मनाया था उसी प्रकार से वही व्यवस्थाएं हमने की है। सब जगह हमने ड्यूटी लगा दी है किसी को जिससे असुविधा ना हो। जैसा कि शासनादेश है कि जो RT-PCR रिपोर्ट के साथ जो आएगा उसकी मुलाकात कराई जाए, तो वही हम पालन कर रहे हैं उसका। और अभी सवेरे से लगभग 400 महिलाओं ने मुलाकात कर ली है और अभी क्रम जारी है और मुलाकात चल रही है। तो सर क्या क्या सिक्योरिटी रखी गई है जो बाहर से आने वाली महिलाएं हैं अपने भाइयों से मुलाकात करती है, बंदियों से मुलाकात करने के लिए उनको क्या क्या गाइड किया गया है, किस तरह से? हमने बैरिकेडिंग वगैरह करा दी है। और गाजियाबाद से अविनाश कश्यप की रिपोर्ट।